हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर आपकी TET परीक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर उन्हें लाभ होने वाला है जो TET की परीक्षा दे चुके हैं, जो आपकी आगामी आने वाली TET परीक्षा है जो देने जा रहे हैं उन्हें भी लाभ होगा। ऐसे में वो आपका TET, चाहे आप CTET को लेकर के बात करो या किसी भी स्टेट की TET को लेकर के अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर स्कोर कार्ड की वैलिडिटी को लेकर के जो है यहाँ पर आपके न्यूज़ NCTE की गाइडलाइंस जो है वो क्या कुछ हैं, वो चीज़ें बताई गई हैं, उसके बारे में इस पूरे वीडियो ड्यूरेशन में हम बात करेंगे। नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे भी आप जरूर जुड़ जाएँ। चलिए बात कर लेते हैं उस न्यूज़ को लेकर के। आप यहां पर देख पा रहे होंगे एजेंडा आइटम नंबर 7, कंसीडरेशन ऑफ द इश्यू रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 7 ईयर्स टू लाइफ टाइम। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो 7 साल की जो वैलिडिटी थी CTET को लेकर के बात करते हो, उसको बढ़ा करके यहाँ पर लाइफ टाइम करने की बात की गई है। और अगर यहाँ पर CTET ऐसा कर रहा है 7 साल से बढ़ा करके अगर लाइफ टाइम कर रहा है, तो स्टेट TET की जो आपकी परीक्षाएं हैं या जो स्टेट TET है जो 5 साल का है, UP TET को अगर आप लेकर के बात करते हो, तो वो भी अपनी वैलिडिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। द काउंसिल कंसिडर्ड द एजेंडा आइटम एंड अप्रूव्ड, यानी कि अप्रूव कर लिया गया है द वैलिडिटी ऑफ द TET सर्टिफिकेट चेंजिंग इट फ्रॉम 7 ईयर्स टू लाइफ टाइम। 7 साल से बढ़ा करके इसे लाइफ टाइम किया गया है। दिस प्रोविजन वुड हैव प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट एंड फॉर दोज हैव ऑलरेडी पास्ड आउट, जो कि ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनके लिए भी है ये, ऑलरेडी हैविंग TET सर्टिफिकेट, उनके पास में अगर जिनके पास ऑलरेडी TET सर्टिफिकेट है उनका भी होगा लाइफ टाइम। साथ में NCTE वुड टेक लीगल ओपिनियन एंड विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है वो इस पर जो है अपना ध्यान देगा, और इसे जो TET की परीक्षा के बाद जो स्कोर कार्ड मिलता है वो 7 साल या 5 साल से बढ़ा करके उसे लाइफ टाइम करेगा। मतलब एक बार आप TET की आपको परीक्षा देनी है, पहले टेंशन होता था कि फिर से हमारा एक्सपायर कर गया 5 साल में 7 साल में हमें फिर से परीक्षा देनी है, तो आपको बस एक बार परीक्षा देनी है और लाइफ टाइम के लिए आपका वो जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। बहुत अच्छी खबर है। ऐसे में क्या कुछ चीज़ें इसके रिगार्डिंग आगे देखने को मिलती हैं हम आपको बताते रहेंगे। शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कुछ अच्छा लगे तो लाइक तो एक बनता ही है। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।